नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं 4 अगस्त का करेंट अफेयर का स्पीड टेस्ट। और देखिए इस स्पीड टेस्ट में भी आपको 10 प्रश्न मिलेंगे पिछले स्पीड टेस्ट की तरह, और इसमें मैं आपको 4 अगस्त के करेंट अफेयर रिवाइज कराऊंगा और जो पुराने करेंट अफेयर हैं जून महीने के, ठीक है, उसको रिवाइज कराऊंगा। देखिए टोटल मेरा प्लानिंग है कि आपको 6 महीने के करेंट अफेयर जो है पिछले रिवाइज करा दिया जाए, ताकि आपको जो रेलवे का एग्जाम है, पीसीएस का एग्जाम है, इनके लिए जो है आपकी तैयारी पूरी हो सके करेंट अफेयर की। देखिए आज के स्पीड टेस्ट का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। तो इनका नाम जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए। देखिए इनका नाम है एमरसन मनानगागवा, ठीक है। तो इन्होंने जो अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव जीता है जिम्बाब्वे में। और दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विज्ञापन संघ द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को मार्केटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। देखिए ये कंपनी आपकी है अमूल, ठीक है, और अमूल का पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड, और ये आपका जो है गुजरात के आनंद में स्थित है, और इसकी स्थापना की थी वर्गीज कुरियन ने, जिनको कहते हैं भारत का श्वेत क्रांति का जनक, ठीक है, यानी कि फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया। और तीसरा प्रश्न है, 24वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। तो इसका उत्तर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए इस प्रश्न का बी विकल्प सही है, गोपाल कृष्ण गांधी जो है इनको 24वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, और ये जो है पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर बताइए। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए इनका नाम है दीपक उप्रेती, ठीक है, इनको जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, और राजस्थान लोक सेवा आयोग की पीसीएस की परीक्षाएं या फिर जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सब में इनका नाम पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन राजस्थान के लिए खास है ये प्रश्न। और पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हिंदी अकादमी दिल्ली ने 2017-18 के लिए सर्वोच्च सलाहकार सम्मान प्रदान किया। तो इसका उत्तर लीजिए बताइए। तो देखिए इनका नाम है जावेद अख्तर, जावेद अख्तर को जो है हिंदी अकादमी दिल्ली ने 2017-18 के लिए सर्वोच्च सलाहकार सम्मान प्रदान किया है। और छठा प्रश्न है, हाल ही में थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देशों की सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो इसका उत्तर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, ठीक है, भारत। देखिए भारत जो है ये थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश है, ठीक है। और देखिए सबसे असुरक्षित देशों की सूची में पहले स्थान पर भारत है, दूसरे स्थान पर अफगानिस्तान है, और तीसरे स्थान पर आपका सीरिया। ये क्रम आपको याद रखना है। और सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए इनका नाम है जनरल अजीज अहमद, ठीक है, ये हमारे पड़ोसी देश के नए सेना प्रमुख अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा, और अभी हाल ही में शायद किसी एग्जाम में पूछ भी लिया गया, ठीक है। तो याद रखना कि जनरल अजीज अहमद जो है इनको बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया था, जो आपका जून महीना है इसमें। और आठवां प्रश्न है, आईफा अवार्ड 2018 में किस अभिनेता को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर जल्दी से बताइए। देखिए ये प्रश्न भी अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था हाल ही में। देखिए इनका नाम है अनुपम खेर, ठीक है, अनुपम खेर को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडिया सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया था आईफा अवार्ड 2018 में। और देखिए जितने भी प्रश्न एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, नए नए करंट अफेयर जो पूछ लिए जा रहे हैं पिछले 6 महीने में, उनको मैं आपको जरूर बता रहा हूँ इसलिए, ताकि आपका आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न गलत ना हो। और नवा प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत किस स्थान पर है। तो इसका उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है 177वें स्थान पर, ठीक है, भारत जो है ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 177वें स्थान पर है। और देखिए इस सूचकांक में पहले स्थान पर आपका स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर आपका
फ्रांस है और तीसरे स्थान पर आपका डेनमार्क है। ठीक है, तो याद रखना है कि पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत 170वें स्थान पर है। पहले स्थान पर इसमें स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर फ्रांस है और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। और दसवें प्रश्न का उत्तर बताइए। दसवां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल के वकील को मलेशिया के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर इसे बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए इसमें थोड़ी बेईमानी हो गई है, इनका नाम है टॉमी थॉमस। ठीक है, पहले से हाईलाइटेड ये प्रश्न है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको याद रखना कि टॉमी थॉमस जो है ये भारतीय मूल के वकील हैं और इनको मलेशिया के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो आज का स्पीड टेस्ट यही समाप्त होता है और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिलता रहेगा। तो इसी साथ आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और पुराने जो टेस्ट सीरीज मैंने अपलोड किए हैं करंट अफेयर का, उनको जरूर सॉल्व करते रहिए, इससे आपका रिवीजन होते रहेगा। ठीक है, तो बाय बाय, थैंक यू।